Hello everyone, a very warm welcome to all of you. Myself Aishwarya Vijay and I welcome you all on Unacademy, India's largest learning online platform. उड़ान के आज के इस क्लास में हमें प्रोबेबिलिटी के कुछ और कॉन्सेप्ट्स को जानना था और तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना था. जैसा कि हम हमेशा करते हैं, सेशन स्टार्ट होते ही एक बार फटाफट से ये बता दीजिए दैट आई एम ऑडिबल एंड विजिबल, ताकि हम सेशन को स्मूथली रन कर सकें. एंड मैंने कमेंट सेक्शंस भी ऑन कर लिया है, ताकि अगर कोई भी क्वेरी हो, आपके कोई भी डाउट हो, तो आप वहां पे पोस्ट कर सकते हैं. एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे करनी है, अ वेरी गुड इवनिंग. एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे करनी है, जैसे आज के सेशन में हम लोगों ने कल के सेशन में भी पढ़ा था और आज के सेशन में कुछ काफी हद तक प्रॉब्लम्स कर ली. कुछ प्रैक्टिस सेट्स भी आपके लगेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे ऑन प्रोबेबिलिटी. ये आपका होगा ऑन अन अकेडमी स्पेशल क्लासेस. जो आपकी स्पेशल क्लासेस फ्री होती है ना कम्प्लीटली, उस पर आप आके अटेंड कर सकते हैं स्पेशल क्लास में. और ये स्पेशल क्लास लगेगी आपकी या फिर तो कल या फिर वीकेंड्स पे लगेगी. ये किस पे कर लेते हैं, चलिए वीकेंड्स पे कर लेते हैं. वीकेंड्स पे आपकी ये वाली क्लास लगेगी, या फिर तो आपकी सैटरडे को होगी या फिर संडे को होगी. एक काम करेंगे, दोनों दिन ही कर लेंगे. सैटरडे को हम हमारा प्रोबेबिलिटी का कर लेंगे और संडे को हमने अभी तक के जितने भी टॉपिक्स कवर किए गए हैं इन उड़ान बैच, उन सब का एक प्रैक्टिस सेट कर लेंगे. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपकी प्रैक्टिस होगी कहाँ होगी, स्पेशल क्लासेस में होंगी और स्पेशल क्लासेस कंप्लीटली फ्री होती हैं. तो अगर अभी तक आप हमसे अनअकैडमी लर्निंग ऐप के थ्रू अभी भी नहीं जुड़े हैं, देन फटाफट से डाउन चाहिए और डाउनलोड कर लीजिए. और अगर आप न्यू यूजर हैं, देन डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड टू अनलॉक योर फ्री क्लासेस, दैट इज AAIS, जो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं. जो अभी तक नहीं है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, वो भी कोड यूज कर सकते हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के और आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले सेशन को स्टार्ट होने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज ऐश्वर्या विजय एंड दिस इज माई गेट स्कोर इन 2017 एंड दीज आर द सम अदर एग्जाम्स दैट आई हैव क्वालिफाइड. तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, एक बार आप भी लोग कंफर्म कर दीजिएगा दैट आई एम प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल. इसके अलावा कि स्पेशल क्लासेस होने वाली है संडे एंड सैटरडे को, किसकी प्रोबेबिलिटी की प्रैक्टिस सेट एंड जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उसके प्रैक्टिस सेट. इसके अलावा डेली बेसिस पे आपकी स्पेशल क्लासेस होती हैं जो आप आके अटेंड कर सकते हैं. और ये जो स्पेशल क्लासेस हो रही है आपकी, हो रही है ऑन जर्नल इंग्लिश. जर्नल इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी अपकमिंग एग्जाम्स आ रहे हैं उन सबको पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए हम लोगों ने ये क्लासेस स्टार्ट की हैं. डेली बेसिस पे होती है, 7 PM. आप आके आराम से ज्वाइन कर सकते हैं. एंड अगर कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरी, तो अगेन आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. इसी के साथ साथ अगर अभी तक आप हमसे प्लस या आइकॉनिक के थ्रू नहीं जुड़े हैं, देन फटाफट से जाइए एंड ज्वाइन हो जाइए इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन. क्योंकि यहाँ पे बैचेस स्टार्ट हो गए हैं फॉर गेट 22 एंड 23 एंड फॉर ESE 21 एंड 22. बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, तो एक एक दिन का डिले ना हो. अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रक्चर्ड वे में करना चाहते हैं, एक बहुत ही रिलेवेंट वे में करना चाहते हैं, जहां पे आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड सेशंस, अगर आपके कुछ डाउट्स है तो उन्हें भी सॉल्व किया जा रहा है. वीकली टेस्ट एंड क्विजेस हो रहे हैं जस्ट टू एनालाइज एंड जस्ट टू एनहेंस योर परफॉर्मेंस. इसी के साथ साथ आपको क्रैश कोर्सेज भी दिए जा रहे हैं, रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस भी दिए जा रहे हैं, बोथ द लैंग्वेज, इंग्लिश एंड हिंदी एज वेल. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स का डाउट आता है, तो क्या गेट के लिए अगर लेंगे तो ESE के लिए अलग से लेना पड़ेगा क्या? नहीं, वो इसी में हो जाएगा. तो क्या फिर HPCL की अभी जो वैकेंसी है इसके लिए अलग से लेना पड़ेगा क्या? नहीं. सेमेस्टर्स की प्रिपरेशन हो जाएगी क्या, अलग से लेना पड़ेगा क्या? नहीं. आपके जितने भी एग्जाम्स हैं, जिनमें भी आपके टेक या नॉन टेक पूछा जा रहा है, वो सारा का सारा आपसे प्लस में कवर हो जाएगा. एंड आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच अपॉइंट किया जाता है, जो आपका स्टडी प्लान, स्टडी बूस्टर सेशंस, टेस्ट एनालिसिस, आपके कोई डाउट और PDFs वगैरह आपको प्रोवाइड की जाती है, स्टडी मटेरियल दी जाता है. तो चाहे आप गेट ESE कैटेगरी के साथ जाएं या प्लस आइकॉनिक के साथ जाएं, यू कैन यूज दिस कोड दैट इज AAISHU टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर्ड बाय अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म. ठीक है, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन में चलते हैं. तो प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट करने से पहले एक बार कल का क्विक रिव्यू देख लेते हैं. जो हमने टर्म्स पढ़ी थी, हमने बेसिकली क्या टर्म्स पढ़ी थी, हमने कल रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में जाना था, सैंपल स्पेस के बारे में जाना था, इवेंट क्या होता है, नॉन इवेंट क्या होता है, इम्पॉसिबल इवेंट्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में जाना था.
ये भी जाना था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन कौन से होंगे, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, अगर आपकी कल क्लास मिस हो गई हो तो आप अभी यहाँ पे से देख सकते हैं। उसका मतलब क्या था, इफ हैड्स अपियर ऑन अ कॉइन टेल विल नॉट अपियर और वाइस वर्सा, मतलब अगर आपने कोई सपोज कर लेता है आपने कोई कॉइन उछाला, ठीक है, अभी आपको क्या दिखा, हेड्स दिखा, आपका रिजल्ट क्या है, हेड्स आया, तो इसी सेम टाइम पे आपको टेल्स नहीं मिल सकता। मतलब जो इवेंट अकर हो रहा है उसके अलावा जो उसके साथ में हमारे पॉसिबल आउटकम्स थे वो कभी भी नहीं आ सकते, तब आपका क्या होगा, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा। इसी के साथ साथ हमने इक्वली लाइकली इवेंट के बारे में पढ़ा था, जैसे अब हम कॉइन की बात करें तो यहाँ पे आपको पता है कॉइन अगर आपने टॉस किया है तो आपके हेड्स भी आ सकता है टेल्स भी आ सकता है, मतलब हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाफ है, टेल्स आने की कितनी, हाफ है। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के लिए इक्वली लाइकली इवेंट है, क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट है। इसके बाद हमने यहाँ पे पढ़ा था एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट्स, मतलब जितने भी सैंपल स्पेस में जितने भी इवेंट्स होंगे ये आपके सारे क्या कहलाए जाएंगे, आपके ये एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट कहलाए जाएंगे। अब इसके बाद हमें दो टर्म्स और पढ़नी थी, पहला होता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स और दूसरा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं फिर कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे ताकि हमें कल के कॉन्सेप्ट जो रिकॉल हो जाए। स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट, इफ द अकरेंस ऑफ एन इवेंट हैज नो इफेक्ट ऑन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ अनादर इवेंट, जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक कॉइन है और एक डाइस है, ठीक है, मैंने क्या किया, कॉइन को टॉस किया, तो आपको पता है क्या क्या आ सकता है, हेड्स आ सकता है फिर टेल आ सकता है। मैंने डाइस को थ्रो किया, आपने कहा या फिर तो वन आएगा, टू आएगा, थ्री आएगा, फोर आएगा, फाइव आएगा, सिक्स आएगा, क्या इसके अलावा आ सकता है क्या, आपने कहा नहीं, तो कॉइन में कुछ भी है चाहे हेड चाहे टेल है वो आपके डाइस में जो भी है उसको अफेक्ट करेगा क्या, आपने कहा नहीं, कोई मतलब नहीं बेचारे, कॉइन और डाइस दोनों ही अलग अलग चीजें, कोई मतलब ही नहीं, दोनों अलग अलग एक्सपेरिमेंट है। तो यही तरीके के हमारे एक्सपेरिमेंट्स क्या कहलाए जाते हैं, यही हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहलाए जाते हैं, जहां पे किसी की भी अकरेंस दूसरे को इफेक्ट ना कर रही है वो हमारे क्या कहलाए जाते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहलाए जाते हैं। अगर डिपेंड कर रही है तो हमारे क्या कहलाए जाएंगे, डिपेंडेंट कहलाए जाएंगे। अब जैसे इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं, इफ अ फर्स्ट चाइल्ड ऑफ ए कपल, अब कोई है हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, उनका पहला बच्चा क्या होता है या फिर फर्स्ट चाइल्ड क्या होता है, बॉय होता है, हम यहाँ पे मान लेते हैं बॉय हो गया, तो दूसरा चाइल्ड जो भी होगा वो उसका डिपेंडेंसी इस पे थोड़ी होगी कि पहला लड़का हुआ या पहला फर्स्ट बॉय हुआ, इस पे डिपेंडेंसी नहीं होगी, तो जो दूसरा चाइल्ड होगा वो क्या होगा, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशन प्रोबेबिलिटी को हम एग्जाम्पल से ही समझते हैं, थ्योरी पढ़ेंगे कोई मतलब नहीं होगा, बस आप इसको डिनोट कैसे करते हैं वो पढ़ लीजिए, इसको डिनोट हम इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है, थ्योरी को छोड़ दीजिए हम एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दे रखा है, द प्रोबेबिलिटी दैट इन टू थ्रोज ऑफ अ डाइस वी गेट द टोटल ऑफ सेवन और मोर, हमारे पास दो डाइसेज है, मैंने क्या कहा, आपके पास दो डाइस है, आपको दोनों डाइस थ्रो करनी है, ठीक है, आपने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, मैंने कहा आपको दोनों डाइस थ्रो करनी है और दोनों का जो सम है इनमें जो भी आपके नंबर्स आएंगे उसका सम या फिर तो सेवन होना चाहिए या फिर सेवन से ज्यादा होना चाहिए, अगर सेवन भी होगा तो चल जाएगा, सेवन से ज्यादा होगा तो भी चल जाएगा, लेकिन सेवन से कम नहीं होना चाहिए, आपने कहा ये भी ठीक है, मैंने कहा लेकिन तुम्हारे पास एक कंडीशन है कि तुम्हारे जो डाइस नंबर ए है ना वो आप सबके उसमें क्या आ रखा है, फाइव ऑलरेडी आ रखा है, तो यहाँ पे कंडीशन हो गई कि फाइव हमारा क्या है, फिक्स है, मतलब ये ऑलरेडी अकर हो चुका है, लेकिन जो डाइस बी है इसकी अकरेंस हमें निकालनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, तो यहाँ पे कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है, फाइव वाली कंडीशन है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, कंडीशन प्रोबेबिलिटी पड़ गया। अब इससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे, तो चलिए सबसे पहले प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे चलते हैं और उन्हें सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन, ओके ये तो आप सब भी बता सकते हैं तो फटाफट से प्रैक्टिस कीजिए और आंसर्स कहाँ लिखिए, इन द कमेंट सेक्शन। पहला क्वेश्चन, What is the chance of throwing a number greater than 4 with an ordinary dice whose faces are numbered from 1 to 6? अब आपके पास क्या है, कोई ordinary dice है जिसकी sample space आपके पास क्या आएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6. आपको number क्या चाहिए, greater than 4 चाहिए, तो आपके favorable case क्या होगा,
फेवरेबल केस हो गया आपकी, या फिर तो आपको 5 आ जाए तो ठीक है, या फिर 6 आ जाए तो ठीक है। अगर इन दोनों के अलावा कुछ आएगा तो आपका काम नहीं बनेगा, आपका फेवरेबल इवेंट है यहाँ पर। आपसे क्या पूछा है? चांस पूछा है। चांस पूछा है मतलब क्या पूछिए? प्रोबेबिलिटी पूछी है। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी निकालते हैं फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट्स, या टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स, या फिर टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं? सिर्फ 2 हैं, 2। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6 है, डिवाइडेड बाय 6, एंड वी विल गेट आवर आंसर इज 1/3। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड की बात करें तो आपका जनरल एप्टीट्यूड में प्रोबेबिलिटी बहुत सिंपल आता है, आप आराम से कर सकते हैं। बट अगर आपको यही डिटेल में पढ़ना है, जो आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी काम है, इन डिटेल्स पढ़ना है, तो आप एक काम कीजिएगा, आप स्पेशल क्लासेस में जाइएगा, मेरी प्रोफाइल पे विजिट कीजिए, स्पेशल क्लासेस में जाइए। यहाँ पे आपको इन डिटेल हमने एक एक चीज को बहुत अच्छे से पढ़ा है। ये आपको जो सेशंस मिलेंगे फैब के स्टार्टिंग फैब में, या फिर जनवरी एंड के सेशंस में आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी को बहुत अच्छे से, एक एक चीज को बहुत बारीकी से डिस्कस किया और समझा है। तो अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, आप उन सेशंस को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द चांस ऑफ थ्रोइंग एटलीस्ट वन एस इन अ सिंपल थ्रो विथ टू डाइस। अब कैसे करेंगे इसको, फटाफट से बताओ। राहुल, हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं। फटाफट से बताइए यहाँ पे। एस, एस मतलब यहाँ पे डबलेट्स है, जैसे 1 1 आना चाहिए, 1 2 आना चाहिए, इस तरीके से। वन एस मतलब 1 की बात की जा रही है, 1 3, 1 4, इस तरीके से। कौन कौन से? 1 5, 1 6, एंड सिमिलरली 2 1, 3 1, 4 1, 5 1, 6 1। एंड जनरल एप्टीट्यूड की बात करें तो जनरल एप्टीट्यूड में यही लेवल आता है, एग्जाम्स में यही लेवल आता है, तो ज्यादा डिफिकल्ट पढ़ा के क्या पॉइंट है? हम यहाँ पे मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे, इस चीज का ध्यान रखिए। वी आर ओनली टारगेटिंग जनरल एप्टीट्यूड। ठीक है, इस चीज का थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। अब आपके पास, आपको यहाँ पे अगेन क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी आपकी क्या होता है? फेवरेबल इवेंट्स या फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो आपके यहाँ पे कितने आ जाएंगे? आपके पास ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आपके पास फेवरेबल इवेंट्स हो गए 11, और टोटल कितने हैं? जब हम एक डाइस को थ्रो करते हैं, हमारी सैंपल स्पेस क्या बनती है? आप कहेंगे आपके सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 1 2 3 4 5 6। जब आप एक डाइस को कर रहे हैं, दो को कर रहे हैं, तो कितने हो जाएंगे? 36। 11/36 मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट। फाइंड द चांस ऑफ ड्रॉइंग टू ब्लू बॉल्स इन सक्सेशन फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 5 रेड एंड 7 ब्लू बॉल्स इफ बॉल आर नॉट बीइंग रिप्लेस्ड। बॉल को रिप्लेस नहीं करना है तब क्या आएगा? राहुल, मैंने उसके लिए अभी अभी बताया, अगर आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए पढ़ना है, देन यू कैन रेफर माई स्पेशल क्लासेस। आपको वहां पे इन डिटेल्स बहुत अच्छे से मिल जाएगा, स्पेशल क्लासेस में ही कराया गया है। इसके लिए आपको प्लस या आइकॉनिक लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इट्स कम्प्लीटली फ्री। आप जाइए, अगर आप नहीं है ऐप पे, देन यू कैन यूज दिस कोड टू अनलॉक द फ्री सेशंस। और आप यहाँ पे देखेंगे जनवरी एंड फैब स्टार्टिंग के, अगर आप देखेंगे तो आपको वहां पे मिल जाएंगे सेशंस जिनमें हमने मैथमेटिक इंजीनियरिंग के, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के बेसिस पे किया। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। चांस अगेन आपसे क्या पूछा गया? प्रोबेबिलिटी पूछा गया। दो बॉल्स निकाली जा रही, कौन सी? ब्लू बॉल्स निकाली जा रही। तो टोटल बॉल्स कितनी? आपने कहा टोटल बॉल्स तो आपके पास है, टोटल बॉल्स है आपके पास 12, और रिप्लेसमेंट भी अलाउड नहीं है। यहाँ पे क्या है आपका? रिप्लेसमेंट भी अलाउड नहीं। तो आपने पहली बॉल निकाली, आपने क्या किया? आपने पहली बॉल निकाली, तो पहली बॉल ब्लू वाली हमने सोच लिया, ब्लू वाली निकली, तो कितने चांसेस होंगे? 7।
बाय 12, ये कौन सी है? बॉल वन। जब आपने बॉल वन निकाली, अब बॉल वन निकाल ली, रिप्लेस तो करना नहीं है, तो आप क्या दोबारा डालोगे क्या? नहीं। तो आपके आप बैग में कितनी रह गई? सिर्फ और सिर्फ 11 बॉल्स रह गई। अब ब्लू बॉल्स कितनी रह गई होंगी? एक तो आ गई बाहर, 6 रह गई, इंटू 6। बस ये करना था, दोनों बॉल सही, इसलिए यू विल गेट योर आंसर 7/22। 7/22 ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। राहुल, जनरल एप्टीट्यूड का तो आज कंप्लीट हो जाएगा। देयर इज अ प्रैक्टिस सेशन ऑन सैटरडे ऑन स्पेशल क्लासेस, आप वहां पे आके ज्वाइन कर सकते हैं। कल हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, नेक्स्ट। इफ अ कार्ड इज पिक्ड अप रेंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, तो हमें यहाँ पे पहले तो पता होने चाहिए हमारे पास टोटल डेक में कितने कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स होते हैं, 13 ऑफ ईच, यहाँ पे 4 होते हैं। कोई बताएगा 4 कौन कौन से टाइप होते हैं? कोई बताना चाहेगा यहाँ पे क्या क्या होते हैं? 4, एक होता है आपका डायमंड, एक होता है आपका हार्ट, एक होता है स्पेड, और एक कोई बताएगा क्या क्या होता है हमारे पास? 52 जो कार्ड्स होते हैं उनमें से कौन कौन से होते हैं हमारे पास, कोई बताएगा? फोर्थ वन कौन सा होता है? ब्रिक। ठीक है, चलो अब इसमें बात करें तो यहाँ पे ये जो दोनों होते हैं, ये दोनों हमारे ब्लैक कलर के ही होते हैं। ये दोनों कौन से होते हैं? ब्लैक कलर के होते हैं। और ये दोनों हमारे कौन से होते हैं? ये दोनों हमारे रेड कलर के होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल जो फेस कार्ड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो 2 से लेके 10 तक होते हैं, 2 से लेके 10 तक होते हैं। ओके, इट्स ब्रिक नहीं, इट्स क्लब बोलते हैं। ओके ठीक है, क्लब लिख लो यहाँ पे, ब्रिक के साथ साथ क्लब लिख लो, ये भी लिख लो। ठीक है ठीक है, ब्रिक कहीं कहीं जगह ब्रिक भी मिल जाएगा, क्लब पढ़ रखा है तो क्लब लिख लो। ठीक है, हमारे 2 से लेके 10 तक तो फेस कार्ड होता है, इसके अलावा हमारे पास होता है जैक, क्वीन, किंग एंड एस। किंग एंड एस, ठीक है, हमारे पास ये कार्ड्स होते हैं, हमें इतना पता होना चाहिए। ये पूरे कितने होंगे? हमें ये टोटल मिला के हमारे पास होते हैं 13, टोटल होते हैं 30। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगर आप नॉर्मली जानते हो तो हम इसे बोलते हैं गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। ठीक है, अगर आपको नॉर्मली ऐसे पता हो तो। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। इफ ए कार्ड इज पिक्ड अप एट रेंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स अ स्पेड। इट्स अ स्पेड, तो आपको पता है स्पेड आपके पास कितने होंगे? 13 कार्ड्स हैं। टोटल कितने? टोटल फेवरेबल है आपके, टोटल है आपके पास 52, फेवरेबल है आपके पास 13, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? इट्स 1/4 इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, कुछ कुछ जगह ब्रिक भी लिखा हुआ है, तो अगर आपको ब्रिक मिले तो कंफ्यूजन नहीं होना है, वो क्लब की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, थीके? आपको डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट नेम्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट, अ किंग और अ क्वीन, आपको यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखिएगा, जो वर्ड यूज हुआ है वो और यूज हुआ है, ना कि एंड। क्या आएगा यहाँ पे आंसर, फटाफट से बताइए। एंड डोंट फॉरगेट टू मार्क योर अटेंडेंस, प्लीज डू मार्क इट, जैसे आप सेशन में आते हैं डू अटेंड, डू मार्क योर अटेंडेंस। जल्दी बताइए इसका क्या आंसर आएगा। आपको बोलना है अ किंग और अ क्वीन। आपने देखा कि 52 कार्ड्स हैं आपके पास टोटल, ठीक है, और आपने कहा हर एक में आपके पास किंग है और क्वीन है, तो आपके पास टोटल कितने किंग हो गए? आपने कहा आपके पास 4 तो किंग हो गए और 4 ही क्वीन हो गई, और यहां पे लिखा हुआ है और, तो हम इसको डिनोट कैसे करेंगे? तो हमारे पास यहाँ पे कितना जगह? 8/52। 8/52 मतलब 2/13 इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, हाँ, और मीन्स एड। नेक्स्ट, अ स्पेड और अ किंग और अ क्वीन, इन सब में क्या लिखा है? और लगा हुआ है, और करना है, मतलब जैसा कि प्रबल ने कहा बिल्कुल करेक्ट कहा, हमें क्या करना है? एड करना है।
तो स्पेड आपके पास कितने हैं? आपने कहा स्पेड के तो हमारे पास 13 है, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना, अगर आप यहाँ पे 13 ले रहे हो तो ये जो किंग और क्वीन है एक एक ऑलरेडी यहाँ कैलकुलेट हो चुका होगा, तो यहाँ पे ये गलती मत करना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 13 तो हमारे पास स्पेड प्लस 3 किंग्स, और यहाँ पे हम क्या करेंगे प्लस 3 क्वींस। तो टोटल कार्ड्स आपके पास कितने हो गए? आपने कहा 13, 13 प्लस 6 आपके पास हो गए टोटल 19 कार्ड्स। 19/52 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अगेन ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्या ये चीज समझ में आई? क्या ये चीज समझ में आई? आगे चले हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, 3 कॉइंस आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट नीदर हेड्स नॉर थ्री टेल्स, मतलब ना तो हेड्स और ना ही तीनों टेल, मतलब हमें चाहे कुछ भी आ जाए लेकिन तीनों के तीनों हेड्स नहीं आने चाहिए और तीनों के तीनों टेल्स नहीं आने चाहिए, ये वाला केस चाहिए, तो कैसे करेंगे? अब आपको पता है आपकी जो सैंपल स्पेस है 3 पॉइंट्स की कितनी बनेगी सैंपल स्पेस? आपने कहा सैंपल स्पेस में टोटल एलिमेंट्स, आपके जो टोटल आउटकम्स होंगे वो कितने होंगे? 8 होंगे। यहाँ पे लिख लेते, टोटल आउटकम्स कितने होंगे? आपने कहा 8, ठीक है। मैंने कहा तीनों हेड आ जाए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? आपने कहा अगर तीनों आपको हेड्स चाहिए तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितने होंगे? 1/8, ठीक है। अगर आपको तीनों टेल्स चाहिए तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? अगेन आपने कहा 1/8, लेकिन मैंने कहा मुझे तो ये दोनों ही नहीं चाहिए, इसके अलावा कुछ भी दे दो लेकिन ये दोनों तो नहीं चाहिए, तो कैसे करेंगे? जस्ट सिंपली 1 में से माइनस कर देंगे। वेरी गुड, इसको क्या करेंगे, सिंपली 1 में से माइनस कर देंगे। 1 माइनस जो केस नहीं चाहिए, एक तो हमें ये केस नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे प्लस 1/8। ये हो गया हमारा हेड 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 वाला, और ये हो गया हमारा टेल 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 वाला, सिंपली माइनस कर देंगे 1 माइनस 2/8। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 6/8, एंड वी विल गेट आंसर 3/4। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स, ये तो अभी अभी निकाला है, ये आंसर तो शायद सबका बिना पैन उठाए हम लोग दे सकते हैं, इट्स 1/8, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी दैट ए कैन सॉल्व द प्रॉब्लम इज 2/3 एंड बी कैन सॉल्व इट इन 3/4, इफ बोथ ऑफ देम अटेम्प्ट द प्रॉब्लम देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम गेट सॉल्व। आपको क्या बोला गया, कोई प्रॉब्लम है ठीक है, उसको ए सॉल्व कर देगा, ए की प्रोबेबिलिटी आपको क्या दे रखी है, वो दे रखी है 2/3। वही आपको दे रखा है कि अगर उसी प्रॉब्लम को बी सॉल्व कर दे तो बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो वो दे रखी 3/4, ठीक है। अब आपको कहा कि यार इफ बोथ ऑफ देम अटेम्प्ट द प्रॉब्लम, अगर ये दोनों अटेम्प्ट कर रहे हैं देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम गेट सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने चाहिए, हमें मतलब नहीं कौन सॉल्व करे, ए सॉल्व करे तब भी हमारी तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, हमारा काम तो हो गया, बी सॉल्व करे तब भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, हमें मतलब नहीं है। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं अगर ए सॉल्व कर दे, मैंने क्या कहा, अगर हमें ए सॉल्व कर दे और बी ना करे तब भी हमारे तो ठीक है, हमारा केस सेटिस्फाई करेगा, अगर बी कर दे और ए ना करे तब भी हमारा केस तो सेटिस्फाई कर रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हम एक काम करते हैं यहाँ पे बी नॉट निकाल देते, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बी, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, इट्स 1 माइनस 3/4, आंसर कितना आएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 4 माइनस 3/4 एंड वी विल गेट ए 1/4, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं पी ए पी डैश ए निकालना चाहूं तो पी डैश ए कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे आ जाएगा 1/3। अब हमें क्या करना है, अभी हमें प्रॉब्लम से डील करना है, तो चलो प्रॉब्लम से डील करते हैं, हमें प्रॉब्लम सॉल्व करवानी है तो सॉल्व करवाते हैं। अब हमें यहाँ पे हमारा फेवरेबल केस क्या होगा, अगर ए सॉल्व कर दे तब भी चल जाएगा, तो पी ए
और बी ना करे तब भी चल जाएगा, तो पी बी नॉट। ए ने सॉल्व किया, बी ने नहीं किया। दूसरा केस हमने क्या बोला, अगर बी सॉल्व कर दे और ए सॉल्व ना करे तब भी चल जाएगा। तो यहाँ पे मेरे दो केसेस बन रहे हैं, बस मुझे इतना सा बता दो कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर यूज करूँ, यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर यूज करूँ, बस इतना सा बता दो मुझे इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर मैं यूज करूंगी, यहाँ पे तो देखो मैं एंड यूज कर रही हूँ, यहाँ पे तो मैं क्या यूज कर रही हूँ, एंड यूज कर रही हूँ। एंड यूज कर रही हूँ मतलब मुझे क्या यूज करना है, मल्टीप्लिकेशन यूज करना है। इन दोनों केसेस में ये मेरा केस वन है और ये मेरा केस टू है। केस वन हो तब भी मैं मेरा काम तो बन गया, केस टू हो तब भी मेरा काम बन गया। और हमने ये कहा था जब भी केसेस बन रहे हो हम क्या यूज करते हैं, एडिशन यूज करते हैं, क्योंकि हमारा और वाला सीन आ जाता है, या फिर तो केस वन होगा या फिर केस टू होगा। तो केस वन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/3 इंटू इसका क्या आंसर आएगा, 1/4, ये हो गया। प्लस यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास, 3/4 इंटू यहाँ पे कितना आएगा, 1/3। सिंपली सॉल्व इट, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2/12 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3/12। और फाइनली हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, क्या हम और कुछ मिस कर रहे हैं? अगर एक चीज ये देखो, अगर दोनों ने सॉल्व कर ली, एक चीज ये देखो कि अगर दोनों ने सॉल्व कर ली तो हमारे दिक्कत होगा क्या? एक केस ये भी तो बन सकता है, केस थर्ड, पी ए ने भी सॉल्व कर लिया और पी बी ने भी सॉल्व कर लिया, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो आंसर से मतलब है ना। तो ये वाला केस भी आएगा एक जो हम लोग मिस कर गए। प्लस यहाँ पे कितना आएगा, 2/3 और यहाँ पे 3/4, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, प्लस 6/12। और बस इन सबको ऐड कर दो, यू विल गेट योर आंसर। और हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 11/12। 11/12 इज माई करेक्ट आंसर। यहाँ पे कितने केस बन रहे हैं मेरे पास, तीन केस बन रहे हैं। कौन कौन से, ए ने किया और बी ने नहीं किया, बी ने किया ए ने नहीं किया, और दोनों ने सॉल्व कर दिया। ठीक है, समझ में आई, समझ में आया करेक्ट आंसर क्या आएगा, 11/12। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स पॉजिटिव इन नंबर्स आर टेकन एट रैंडम एंड आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट एंड्स इन एन ऑड डिजिट अदर देन 5। इसको आंसर कैसे करेंगे, ऐड करेंगे वो वाला केस, मतलब प्रबल आप क्या बोलना चाह रहे हैं, एक बार दोबारा से लिख दीजिए आप क्या बोल रहे हैं। थर्ड केस, थर्ड केस भी तो हमने प्लस ही किया है ना, हमने प्लस ही किया थर्ड केस, ये रहा थर्ड केस, ये रहा, इन दोनों ने सॉल्व कर लिया। चलिए इसको देखते हैं। देखिए आपको यहाँ पे पॉजिटिव 6 नंबर रैंडमली लिए गए और उन्हें मल्टीप्लाई कर दिया गया, और आपको 5 नहीं चाहिए अदर देन 5। तो आपने कहा आपके पास ऑड नंबर्स होते कौन कौन से, तो आपने कहा ऑड नंबर्स में हमारे पास अवेलेबल है 3 अवेलेबल है, 3 1 अवेलेबल है, 3 अवेलेबल है, 5 अवेलेबल है, 7 अवेलेबल है, 9 अवेलेबल है, लेकिन आपने कहा आपको 5 नहीं चाहिए। यूनिट प्लेस पे 1 आए तब भी आपका आंसर करेक्ट, मतलब प्रोबेबिलिटी जो फेवरेबल कंडीशन है उसे सेटिस्फाई कर रहा है। 3 आ रहा है तब भी आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 7 आ रहा है तब भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 9 आ रहा है तब भी सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब टोटल आपके पास कितने हैं, टोटल है आपके पास आपके फेवरेबल, फेवरेबल आउटकम्स है आपके पास 4, लेकिन टोटल आउटकम्स की बात करें टोटल आउटकम्स आपके पास कितने होंगे, तो आपने कहा टोटल आउटकम्स होंगे आपके पास 10। आपने कहा कौन कौन से 10 आ गए,
मैंने कहा 0 से लेके 9 तक सारे ही आपके क्या होंगे, फेवरेबल टोटल आउटकम्स में आएंगे। तो 0 से 9 तक के कितने हो गए, टोटल 10 हो गए। अब 1 आता है तो कितनी होगी आपकी प्रोबेबिलिटी, आपने कहा 4/10। मैंने कहा अगर 3 आता है तो कितनी होगी, 4/10। मैंने कहा 7 आएगा तब कितनी होगी, आपने कहा 4/10 होगी फिर से। और मैंने कहा 9 आता है तो क्या होगी, आपने कहा फिर से होगी हमारी 4/10। ठीक है, मैंने कहा इतना ठीक है, अभी तुम लोगों ने सबने इंडिविजुअल्स बता दिए। मैंने कहा मुझे इंडिविजुअल नहीं चाहिए, मैंने कहा मुझे इंडिविजुअल नहीं चाहिए, मुझे तो ये बताओ कि आपको एंड में क्या मिल जाए, सिर्फ ऑड डिजिट मिल जाए, उसका आंसर क्या आएगा। अब यहां पे बताओ, हाँ प्रबल आप इसको लिख सकते हैं ना 0.4, इसको भी लिख सकते हैं 0.4, इसको भी लिख सकते हैं 0.4, और इसको भी लिख सकते हैं 0.4। ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में देनी थी, वो क्या, यहाँ पे 6 नंबर्स लिए गए एट रैंडम और उनका क्या किया गया, मल्टीप्लाई किया गया। मतलब जो भी नंबर्स लिए जा रहे हैं उनको क्या किया जा रहा है, मल्टीप्लाई किया जा रहा है, इस चीज का ध्यान रखना। तो जब हम ऑड और ऑड को मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें आंसर क्या मिलता है, कौन बताएगा? जब हम ऑड और ऑड को मल्टीप्लाई करते हैं हमें आंसर क्या मिलता है, कौन बताएगा? नंबर सिस्टम में ये सारी चीजें हमने इन डिटेल्स पढ़ी हैं, तो एक्सक्यूजेस भी अलाउड नहीं होंगे। तो फटाफट से बताओ क्या होगा। ऑड होगा, ओके। अगर जब भी डाउट हो ना, तो सपोज नंबर लेके चल लो, अब 1 1 तो छोड़ो, 3 3 ले लो, 3 ले लो, और एक 1 ले लो, या फिर 1 की जगह 3 ले लो, तो आंसर कितना है आपके पास, 9 आ गया। आंसर कितना है, 9 आ गया। ठीक है, या फिर अगर 3 × 1 करते तब भी हमारे पास आंसर क्या आता, 3 आता। अब मैंने कहा अगर आपने कर दिया ऑड इंटू ऑड इंटू ऑड तब क्या आएगा आंसर, तब आंसर क्या आएगा, ऑड ही आएगा। मतलब आपको चूज तो इन्हीं में से करना है, मतलब 6 जो होने चाहिए आपके वो ही इन्हीं में से होने चाहिए, तभी आपका यूनिट प्लेस क्या आ पाएगा, ऑड आ पाएगा। इस चीज को समझ पाए। अब यहां पे भी ले लो, 3 ले लो, 3 ले लो, 3 ले लो, आंसर कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। या फिर यहाँ पे 3 ले लो, 1 ले लो, 5 ले लो, आंसर 15 आएगा। कुछ भी लेके देख लो ऑड नंबर्स, ठीक है, आंसर ऑड आ रहा है। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की, आपको नंबर्स जो चाहिए 6 नंबर चूज करने हैं ये भी क्या होने चाहिए, ऑड ही होने चाहिए, तभी आपका मल्टीप्लीकेशन क्या आ पाएगा, ऑड आ पाएगा। इसको ऐसे समझो, अगर आपने यहाँ पे लिया, सपोज कर लो 3 ले लिया, एक एक 1 ले लिया, एक 7 ले लिया, एक 9 ले लिया, और वापस से 1 ले लिया। सपोज आपके 6 नंबर है ना, 6 नंबर हो गए, नहीं हुए ना, एक और ले लो, 3 ले लो, सपोज कर लो ये ले लिया, तभी जाके जो आपका आउटपुट आएगा और उसकी यूनिट प्लेस होगी वो आपकी क्या हो पाएगी, ऑड हो पाएगी। ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अगर एक भी इवन नंबर आ गया, जैसे हम ले लेते 3 × 2, एक भी इवन नंबर आ गया तो हमारा आंसर भी क्या हो जाता है, इवन हो जाता है। इस चीज का ध्यान रखना, यूनिट प्लेस इवन, जैसे 3 × 3 × 2 18 आ जाता है आंसर, फिर से क्या हो गया, इवन हो गया। मतलब चाहे आपने पूरी ऑड ऑड की लाइन लगा रखी है, ठीक है, ये लाइन लग रखी है ऑड की, लेकिन एक बेचारा अकेला इवन आ गया ना, तो आपका जो आंसर आना है ना वो यूनिट प्लेस वाला इवन हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। और हमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमें चाहिए यूनिट प्लेस पे प्रोडक्ट एंड इन इन एन ऑड नंबर, तो सबके सब ऑड होने चाहिए। तो जब एक को चूज करने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, तो 6 को चूज करने की कितनी होगी, जब एक को चूज करने की 0.4 है तो 6 को चूज करने की कितनी होगी, तो आपका आंसर आएगा 0.4 to the power 6। क्यों, क्योंकि आपको चूज तो 6 के 6 करने, ये वाला भी चूज करना है, ये भी चूज करना है, ये भी चूज करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, और क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई करना है। तो 0.4 × 0.4 × 0.4 ऐसे ऐसे लिखते जाओगे 6 बार। 0.4 कितनी बार हो गया, 5 बार हो गया ना, एक बार और लिख दो 0.4, और ऐसे कंपाइल करके क्या लिखोगे, 0.4 to the power 6, यही तो लिखोगे, और यही तो हमने लिखा है यहाँ पे भी।
समझ में आया? करेक्ट आंसर क्या होगा? 0.4 to the power 6। ठीक है, आई गेस ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है, कोई भी डाउट आता है, तो प्लीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट अनिल सॉल्व द प्रॉब्लम इज 1/5। वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही सॉल्व एट लीस्ट 1 प्रॉब्लम आउट ऑफ 10 प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, अनिल कोई है एक लड़का जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? अनिल की प्रोबेबिलिटी है 1/5। आपको बोले कोई भी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर ले, कितने में से? 10 में से एटलीस्ट है। मतलब अगर एक सॉल्व कर ले तब भी ठीक है, दो सॉल्व कर ले तब भी ठीक है, तीन सॉल्व कर ले तब भी ठीक है, चार कर ले तब भी ठीक है, पांच कर ले तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पूरी 10 की 10 भी सॉल्व कर देगा तो हमें दिक्कत नहीं है। तो यार अगर ऐसे निकालने बैठ गए तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर ऐसे कैलकुलेट करने लग गए तो एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम तो होता ही नहीं है। तो आप क्या करें, जब इतना टाइम नहीं होता है तो क्या करना पड़ेगा? तो आपने कहा अगर 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 अनिल एक भी प्रॉब्लम सॉल्व ना कर पाए तो वो कितनी होगी? तो आपने कहा 1 माइनस अनिल जो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है वो हटा दो। तो आपने कहा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1/5। मतलब अनिल सॉल्व ना कर पाए एक भी प्रॉब्लम तो वो कितना है, 4/5। तो यहाँ पे पूछा एटलीस्ट 1 प्रॉब्लम सॉल्व कर ले। तो हम कहते हैं कि अगर अनिल टोटल में से हम नॉन इवेंट वाला निकाल ले जो हमें फेवरेबल नहीं है, मतलब अनिल एक भी सॉल्व ना कर पाए, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा। अब क्या इसको हमें फर्दर कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या? इट्स 0.4 to the power 6 ही होगा, 0.04 क्यों होगा? हम 4/10 आपके फेवरेबल है, ये टोटल है, तो 0.04 तो होना ही नहीं चाहिए ना। हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा आंसर? अब ये जो प्रोबेबिलिटी आई ये कितने की आई, एक क्वेश्चन की या एक प्रॉब्लम की? ये कितने की आई, एक प्रॉब्लम की। आपको निकालनी है 10 प्रॉब्लम की। कितने की निकालनी है? 10 प्रॉब्लम की। तो एक प्रॉब्लम की इतनी है तो 10 प्रॉब्लम की कितनी होगी? तो 10 प्रॉब्लम की आपने कहा 4/5 to the power 10, ये आपकी कितने की हो गई, 10 प्रॉब्लम्स की हो गई, 10 प्रॉब्लम्स की। लेकिन ये कौन सा केस है जिसमें अनिल कुछ भी सॉल्व नहीं कर पा रहा, अनिल एक भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा, और आपने कहा आपको एटलीस्ट 1 वाला चाहिए, तो यहाँ बस 1 में से माइनस कर दो जो आपको केस नहीं चाहिए, और ये हमें केस नहीं चाहिए, ये हमारा आंसर आ गया। दिस इज आवर आंसर। क्या ये चीज समझ में आई, क्या ये चीज समझ में आई हमें? जल्दी से बताइए। तो नेक्स्ट पे चले, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। यहां पे ये वाली जो आई है ना, ये ध्यान रखना कि अनिल सॉल्व नहीं कर पा रहा उसकी। ठीक है, प्रबल आप इसको इतना कॉम्प्लिकेट करके चली क्यों रहे, जब हम इसे नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं, देन आप इतना कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं और कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्या पॉइंट है सारी चीज का? हमारा नॉर्मली आंसर आ रहा है। ठीक है, अ कार्टन कंटेन्स 25 बल्ब्स, 8 of which आर डिफेक्टिव। कोई कार्टन है जिसमें हमारे पास कितने हैं, 25 बल्ब्स है। इनमें से आपको क्या बोल दिया गया यार, 8 बल्ब जो आपके हैं ना वो क्या है, वो डिफेक्टिव है। ठीक है, फिर क्या बोला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इफ द सैंपल ऑफ 4 बल्ब इज चूजन। 4 बल्ब चूज किए जाते हैं, किसमें से, इन 25 के सैंपल में से, ये आपका क्या है, सैंपल है। एग्जैक्टली 2 of them बी डिफेक्टिव, इनमें से क्या हो, एग्जैक्टली 2 ही आपके क्या हो, डिफेक्टिव हो, तो कैसे करेंगे जल्दी बताओ, 2 ही डिफेक्टिव हो।
प्रबल, मैं भी उसी की बात करूँ। उसको इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करना है जब हमें ये पता चल गया कि हमें ऑड एक ऑड नंबर चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, 0.4 आ रही है, या फिर उसको पॉइंट्स में नहीं तो 4/10 लिख सकते हैं। आपको कितने नंबर्स लेने हैं? 6 नंबर लेने हैं, तो 4/10 × 4/10 × 4/10 × 4/10 इस तरीके से करना है, तो आपको क्या आ जाएगा, 0.4 to the power 6 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर बताओ फटाफट से, इसका आंसर क्या आएगा? आपने कहा कि आपको कितने बल्ब चाहिए, एग्जैक्टली 2 चाहिए, तो सबसे पहले तो आपको उन 2 बल्ब्स को चूज करना पड़ेगा, उन 2 बल्ब्स को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले चूज करते हैं, तो कैसे लिखेंगे? आपने बात कर ली, आपके पास 4 बल्ब थे, उनमें से 2 डिफेक्टिव है, तो 2 तो नॉर्मल होंगे, तो 2 डिफेक्टिव होंगे वो किस में से आएंगे, वो तो इनमें से आएंगे, और जो 2 नॉर्मल होंगे वो किन में से आएंगे, वो इनमें से आएंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, डिफेक्टिव वाले लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, 8/25, पहला बल्ब ले लिया मैंने, ये कौन सा आया, मेरा डिफेक्टिव नंबर 1। दूसरा बल्ब लिया, अब रिप्लेसमेंट तो अलाउड है नहीं क्योंकि लिखा हुआ नहीं, तो कैसे लिखेंगे, 7/24, ये कौन सा है, मेरे डिफेक्टिव नंबर 2। 2 डिफेक्टिव हो गए, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे नॉर्मल बल्ब लेने। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं 2C2 तब भी ठीक है, अगर नहीं लिखती 2C2 तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आंसर कितना आना है, सिर्फ 1 ही आना है, तो कोई पॉइंट नहीं। तो हम डायरेक्ट ये लिखते हैं कि 16 में से हम लेंगे। अब बल्ब लिए मैंने यहाँ पे 16 में से, तो कैसे लिखेंगे, अच्छा 17 आएगा क्या, सॉरी 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 17 आएगा, ठीक है, दैट्स माय मिस्टेक, सॉरी। तो 17 में से मैंने बल्ब चूज किया, पहला बल्ब निकाला, कितना है यहाँ पे, 23, ये कौन सा है, नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव 1 इनटू, अब दूसरा बल्ब भी निकाला, 16/22, ये मेरा कौन सा है, नॉन डिफेक्टिव 2। बस इसको सॉल्व करना है और वी विल गेट आवर आंसर, वी विल गेट आर प्रोबेबिलिटी। क्या ये चीज समझ में आई, क्या ये चीज समझ में आई? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। आउट ऑफ 40 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, 2 आर चूजन एट रेंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर सम इज ऑड। अब बात करते हैं ऑड की। अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है तो अगेन आपको रिवाइज बस रिकॉल करना पड़ेगा, बाकी आपको पूरा याद आ जाएगा। अगर आपको सम चाहिए ऑड, ठीक है, और 2 इंटीजर्स हैं, तो अगर हम यहाँ पे ऐड करें ऑड प्लस ऑड, आंसर क्या आता है? तो यहाँ पे एग्जांपल लेके ले लेते हैं, यहाँ पे 1 ले लेते हैं, यहाँ पे 1 ले लेते हैं, आपने कहा आंसर 2 आ गया, मैंने कहा एक बार चेंज करके देखो, आपने कहा ठीक है 1 ले लो, एक बार 3 ले लो, आपने कहा फिर से आंसर आ गया, मतलब आंसर क्या चाहिए, इवन आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ऑड आंसर चाहिए तो आपको क्या चाहिए होगा, एक आपको इवन नंबर चाहिए होगा और एक आपको ऑड नंबर चाहिए होगा, तभी जो आपका आंसर है इन दोनों का वो क्या मिल पाएगा, ऑड मिल पाएगा। क्योंकि ऑड में हमने एक कहानी पढ़ी थी, अगर आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन का याद हो, इन नंबर सिस्टम हमने ये पढ़ा था कि अगर ऑड नंबर ऑड ही नंबर्स में अवेलेबल है, नंबर ऑफ, यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, अगर ऑड नंबर्स ऑड में ही अवेलेबल है तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, आंसर ऑड आएगा। लेकिन अगर ऑड नंबर्स आपके इवन नंबर में अवेलेबल है तब आपका आंसर इवन आएगा। अब यहाँ पे ऑड नंबर्स कितने हैं, तो आपने कहा 2, मतलब नंबर क्या है, इवन है, आपका आंसर क्या है, इवन है। आपने कहा यहाँ पे आपका ऑड कितनी बार अवेलेबल है, आपने कहा 1 बार, आंसर क्या है, ऑड, आंसर भी क्या आएगा, ऑड आएगा। मतलब अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछ लूँ ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड, तो आपका आंसर क्या आएगा, आपने कहा बिना देखे कितनी, 1, 2, 3, 3 है, तो आंसर आएगा ऑड। मैंने कहा ठीक है, अगर ऐसा है तो एक बार इसका भी बता दो, ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड प्लस इवन प्लस ऑड प्लस ऑड,
तो आपने कहा इविन का तो कोई ऐसा रोल है नहीं, बेचारा एक अकेला लौटा है, इसके आई करेगा। ऑड पे करो, 1 2 3 4 5 6, 6 है मतलब आंसर आपका क्या आएगा, इविन आएगा। यूनिट प्लेस पे क्या आएगी, इविन आएगी। क्लियर है, ये सारी चीजें हम लोग कहाँ पे, नंबर सिस्टम में ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं। तो हमें इतना पता चला कि अगर हमें 40 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर नंबर्स में से कोई दो रैंडमली चूज करने हैं और उनका मुझे सम क्या चाहिए, सम अगर मुझे ऑड चाहिए तो मेरे नंबर्स क्या होने चाहिए, उनमें से एक नंबर तो होना चाहिए इवन और एक नंबर होना चाहिए ऑड। आपने कहा हम लोग इवन इवन क्यों नहीं ले रहे, मैंने कहा इवन इवन अगर ले लेंगे, इवन प्लस इवन ले लेंगे तो आपको सम तो वैसे भी इवन मिलेगा ना, हमें इवन पे तो डील करना ही नहीं है, हमें तो ऑड पे डील करना है। तो हमें नंबर्स क्या चाहिए, एक इवन एक ऑड। तो इसको तो मैं क्लियर कर देती हूँ, या फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेते हैं। हमें नंबर्स क्या चाहिए, एक तो चाहिए इवन और एक चाहिए ऑड। अब चूज कैसे करेंगे वो बताओ, अब चूज कैसे करेंगे वो बताओ। तो आपने कहा आपको दो नंबर्स चूज करने हैं, मैंने कहा हाँ, तो फिर आपने कहा ठीक है मैम एक नंबर इधर ले लो और एक नंबर इधर ले लो, मैंने कहा ठीक है अब क्या करूं मैं। तो आपने कहा कि अगर मैम आपका फर्स्ट नंबर इवन होगा और दूसरा नंबर ऑड होगा तब भी आपका आंसर क्या आएगा, ऑड ही आएगा, मैंने कहा बिल्कुल ठीक। आपने कहा अगर आपका पहला नंबर ऑड होगा और दूसरा नंबर इवन होगा तब भी आपका आंसर क्या आएगा, ऑड ही आएगा, मतलब मेरा क्या बन गया, एक बन गया केस वन और एक बन गया केस टू। ठीक है, केस वन केस टू बन गया, तो आपने कहा इन दोनों में तो आपको क्या करना है, एडिशन करना है और इन दोनों में आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। मैंने कहा जी भी ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। ठीक है, अब आपने क्या कहा कि अगर आपके पास 40 इंटीजर्स है तो आपने को ये भी पता है बहुत अच्छे से कि आपके पास इसमें से 20 तो क्या होंगे, इवन होंगे और 20 ही आपके पास क्या होंगे, ऑड होंगे। मैंने कहा ये भी बात बिल्कुल ठीक है। तो आपने कहा पहला एक इवन नंबर चूज कर लेते हैं हम लोग, तो इसको क्या लिखेंगे, केस वन के यहीं पे लिख लेते हैं। केस वन को हम लिखेंगे 20/40। फिर ऑड नंबर चूज कर रहे हैं तो ऑड को क्या लिखेंगे हम, 20/39, ये हो गया। अब आपने कहा केस टू को लिखो, ये तो आपका केस वन हो गया, आपने कहा केस टू को लिखो, तो केस टू भी क्या होगा, 20/40 इंटू 20/39, आपका आंसर आ गया। जस्ट सिंपली एड दीज वैल्यूज एंड यू विल गेट योर आंसर, और आंसर आपका क्या आएगा, आंसर आएगा आपका 20/39 इज योर करेक्ट आंसर, 20/39 इज योर करेक्ट आंसर। क्या ये चीज समझ में आई, क्या ये चीज समझ में आई। हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते थे, 20/40 हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, एक काम करते हैं इसको हटा देते हैं, किसी को कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही हो तो हमने ऐसे किया इसको, 220/40 × 39। ठीक है, इस तरीके से लिख के सॉल्व किया, आप भी इस तरीके से कर सकते हैं, यू विल गेट योर आंसर। बाकी अगर आप नॉर्मल सॉल्व करना चाहें तो नॉर्मली भी कर सकते हैं। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, दो क्वेश्चंस और बचे हैं, फिर हम हमारी प्रोबेबिलिटी की जो भी प्रैक्टिस है वो कहाँ पे करने वाले हैं, सैटरडे को करने वाले हैं। ठीक है, इन स्पेशल क्लासेस टाइमिंग्स मैं आपको बता दूंगी ताकि आप सेशंस को आके ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, एन इंटीजर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 100 इंटीजर्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस नंबर विल नॉट बी डिविजिबल बाय 8 और 5। 5 और 8 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, कैसे करेंगे, क्या पूरे लिस्ट लिखोगे कि हाँ इतने नंबर्स हैं हमारे पास जो जो डिविजिबल नहीं है, कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये बताओ मुझे, 1 से लेके 100 जो इंटीजर हैं हमारे पास, इसमें कितने ऐसे नंबर हैं जो 5 और 8 से डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल, कितने नंबर आ रहे हैं ऐसे, जल्दी बताओ।
जल्दी जल्दी, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। या फिर अगर ठीक है, अगर ऐसा भी नहीं आ रहा तो एक काम करते हैं, काम करते हैं, आप ऐसे निकाल लो 100 में, 1 से लेके 100 में से ऐसे कितने नंबर है जो किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। आपने कहा ऐसे 20 नंबर्स है जो 5 से डिविजिबल है। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा 1 से लेके 100 में से ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो किससे डिविजिबल है, आपके 8 से डिविजिबल है। आपने कहा वैसे 12 नंबर्स हैं। मैंने कहा ठीक है, तो अब इन दोनों का एलसीएम क्या होता है, आप अगर मैं आपसे पूछूं 5 और 8 का एलसीएम क्या होता है, दोनों को प्राइम नंबर्स हैं और हमने इनकी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी है नंबर सिस्टम में। जब भी को प्राइम नंबर होते हैं इनका एलसीएम कितना होता है, एलसीएम इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, मतलब 5 × 8 आंसर कितना हो गया, 40। इनका एलसीएम 40 हो गया। तो मैंने कहा ऐसे कौन से नंबर्स हैं 1 से लेके 100 में से जो 40 से डिविजिबल होता है। आपने कहा 40 से डिविजिबल वाले तो सिर्फ दो ही नंबर है, एक बेचारा 40 खुद और एक 80 इसके अलावा है। तो मैंने कहा बस इन दोनों को ऐड करके ये माइनस कर दो, क्योंकि ये वाले टर्म आपका क्या होगा, कॉमन होगा इन दोनों में। ये आपका क्या होगा, कॉमन होगा, ऑलरेडी काउंट हो गया होगा 5 और 10 में। तो आपने कहा टोटल आपके पास नंबर कितना है, इन दोनों को तो ऐड करो, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो आपने कहा यहाँ पे आपके पास आ गया 30, कितने में से, 70 में से। तो आपको क्या निकालना है, हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो प्रोबेबिलिटी अब कैसे निकालेंगे, फटाफट से बताओ। अब तो पूरा आंसर आ गया भाई, 30 नंबर वो है जो डिविजिबल है, इस चीज का ध्यान रखना, ये कौन से हैं जो डिविजिबल है। अब जो नहीं होंगे, नॉट डिविजिबल, वो कितने हो गए, 70। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी आपका होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, आपने कहा आपके 70 है, तो मैंने कहा टोटल आउटकम्स आपके कितने हैं, आपने कहा 100, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 0.7 इज योर करेक्ट आंसर, 0.7 इज योर करेक्ट आंसर। क्या ये चीज समझ में आई। चले हम हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, चले लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, ओके। सेशन का लास्ट क्वेश्चन, अब हमारी प्रोबेबिलिटी अगेन मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो स्टूडेंट्स अभी लेट ज्वाइन हुए हैं उन सबके, सैटरडे को आपका प्रैक्टिस सेशन है, स्पेशल क्लासेस, आप वहाँ पे आके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, ओके। लास्ट क्वेश्चन, फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 8 green balls एंड 5 red balls, टोटल कितनी हो गई, 13 balls हमारे पास हो गई। 3 are drawn 1 after the other, एक के बाद एक 3 ड्रॉ की गई, रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा, इस चीज का ध्यान रखना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल 3 balls बीइंग ग्रीन इफ, पहली, द बॉल्स ड्रॉन आर रिप्लेस बिफोर द नेक्स्ट बॉल इज पिक। तो ए का आंसर क्या आएगा, ए को कैसे डील करेंगे हम लोग, फटाफट बताओ ए को कैसे डील करने वाले हम लोग। तो आपने कहा आपको कौन सी बॉल चाहिए, ग्रीन बॉल के बारे में बात कर रहे हैं, ग्रीन बॉल कितनी, 8 है, और यहाँ पे रिप्लेसमेंट अलाउड है। तो पहली बॉल मैंने पिक की, बॉल B1, ठीक है, B1 पिक की, कितना आएगा, 8/13 आ गई, मैंने वापस से डाल दी। अब मैंने B2 पिक की, वो भी कितनी, अब बॉल जो ली थी वो तो वापस से बैग में डाल दी, तो अभी भी मेरे पास बैग में कितनी होगी, 8 ही ग्रीन बॉल्स होंगी, और टोटल बॉल्स भी कितनी होंगी, 13। और जब मैं बॉल नंबर 3 पिक करूंगी तब भी कितने की, 8/13, और मुझे तीनों, मेरा इवेंट कब कंप्लीट हो पाएगा, जब मैं तीनों बॉल को लूंगी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 8³/13³, या जिसे मैं क्या लिख सकती हूँ, 8/13³। ये तो हो गया मेरा ए का आंसर। अब बात करते हैं बी वाले की, बी वाला क्या कहना चाहता है, बी वाला कहना चाहता है द बॉल्स आर डॉट नॉट रिप्लेस्ड, अब रिप्लेसमेंट नहीं करनी। अब वापस से मैंने B1 पहली बॉल निकाली, कितनी ग्रीन बॉल है, 8 बॉल है, कितने में से, 13 में से मैंने निकाली, अब रिप्लेसमेंट अलाउड नहीं है। अब मैं B2 निकालूंगी, अब मेरे पास ग्रीन बॉल कितनी रह गई, सिर्फ 7, और बैग में कितनी बॉल थी, सिर्फ 12। अब मैं B3 निकालूंगी, मेरे पास कितनी बॉल्स बची हैं अब ग्रीन, आपने कहा 6, और बैग में कितनी, 11, बस तीनों बॉल्स चाहिए, इसलिए मल्टीप्लाई कर दो और आंसर आ जाएगा आपका। क्या ये चीज समझ में आई, क्या ये चीज समझ में आई,
अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं ताकि हम उसे सॉल्व कर सके। और इसी के साथ आपको प्रोबेबिलिटी इन दिस उड़ान बैच जो जनरल एप्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से था वो तो होता है कंप्लीट। अब आपकी स्पेशल क्लास है ऑन सैटरडे, ठीक है, जहां पे हम करने वाले हैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस ऑफ प्रोबेबिलिटी। यही वाला आपका क्या होगा, प्योरली प्रोबेबिलिटी पे होगा। अगर एक दो और टॉपिक्स ऐड करने होंगे तो हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। और जो संडे को आपकी स्पेशल क्लास होने वाली, ये भी आपकी किस क्या होने वाली, प्रैक्टिस क्लास होने वाली है। प्रैक्टिस सेशन कहाँ होने वाला है, स्पेशल क्लास कहाँ पे होती है, आपकी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे होती है, ठीक है। जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उन सबकी प्रैक्टिस होगी सैटरडे एंड संडे को। उन दोनों की टाइमिंग्स मैं आपको फ्राइडे को बता दूंगी ताकि आप वहां पे ज्वाइन कर सकें। तो आज के सेशन को हम यहीं रैप अप करते हैं। अगर अभी तक अगेन आप हमसे प्लस और आइकॉनिक के थ्रू नहीं जुड़े हैं, देन यू कैन यूज दिस कोड टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर्ड बाय अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म। ये कोड यूनिवर्सल कोड है, आप जहां पे भी अप्लाई करेंगे, जरूरी नहीं गेट ईएससी कैटेगरी में, अगर आप एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी किसी में भी अप्लाई करते हैं देन वो अप्लाई जरूर होगा। एंड साथ ही साथ अगर अभी तक आप मुझसे नहीं कनेक्टेड है देन काइंडली विजिट दिस लिंक, आपको इससे मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल मिल जाएगी। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, यू कैन सर्च मी बाय दिस नेम ऐश्वर्या विजय, आपको वहां पे मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी और आप स्पेशल क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। हाँ, थ्री बॉल ड्रॉन था देवेश, उस क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ेंगे, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी तो सेशन एंड भी नहीं हुआ। अच्छा आपने पूछ लिया, यहाँ पे ये ना ऑल थ्री बॉल्स आर बीइंग ड्रॉन, तीन बॉल निकाली जा रही है, इसलिए हम यहाँ पे तीन तीन का कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को यहीं रैप अप करते हैं। एंड फॉर नोट्स यू कैन रेफर दिस चैनल, ये आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पे से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। इफ यू लाइक द सेशन प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो है आपको उसका अपडेट फटाफट